आज की तारीख में स्किन केयर के प्रति इतना सब लोगों का रुझान हो गया है थैंक्स टू सोशल मीडिया कि हर किसी को हर ब्यूटी ट्रीटमेंट के बारे में पता है। पर जब लोगों को स्किन केयर के बारे में इतना पता भी नहीं था तब से है केमिकल पील, इतना पुराना ब्यूटी ट्रीटमेंट। और जितना पुराना ब्यूटी ट्रीटमेंट होगा उतने ही सवाल होंगे और उतने ही मिथ्स होंगे। तो आइए जाने इस वीडियो में केमिकल पील रिलेटेड सारी मिथ्याएं जो हमें दूर करनी है और सारे सवाल जिनके जवाब मैं आपको दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला मिथ ये है केमिकल पील को लेकर कि केमिकल पील आपकी स्किन को थिन बना देता है। देखिए, स्किन की थिकनेस हर पर्सन की डिफरेंट होती है। कुछ लोगों की स्किन, स्पेशली जिनकी स्किन ऑयली होती है, उनकी स्किन में ना अपेंडेजेस ज्यादा होते हैं, जैसे ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, उनकी स्किन थिक होती है। जबकि जिनकी स्किन ड्राई होती है, सेंसिटिव होती है, उसमें स्किन अपेंडेजेस कम होते हैं और स्किन उनकी थिन होती है। केमिकल पील से आपकी स्किन थिकनेस नहीं ऑल्टर होती है। जिसकी थिक स्किन है उसकी थिक ही रहेगी, जिसकी थिन स्किन है उसकी थिन रहेगी, लेकिन उससे आपका स्किन टर्नओवर टाइम बढ़ जाता है। अक्सर टर्नओवर टाइम क्या होता है, अक्सर हमारा नेचुरल डेड लेयर स्किन का 2 महीने में रिप्लेस हो जाता है। केमिकल पीलिंग से ये प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाता है और जो स्किन पील होनी होती है 2 महीने में वही पील हो जाती है 1 हफ्ते में। इसके वजह से आपकी एक अंदर की नेचुरल रॉ स्किन आती है जो कि ज्यादा ग्लो करती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी स्किन को थिन करते। दूसरा कॉमन मिथ है कि स्किन पीलिंग आपकी स्किन को सेंसिटिव बना देगा। देखिए, जब भी आप पीलिंग करवाते हैं तो आपको कुछ आफ्टर केयर इंस्ट्रक्शंस लेने होते हैं, जैसे धूप से बचाव, मॉइस्चराइजर लगाना है, आपको बहुत हार्श क्रीम जिसमें रेटिनॉल हो, एएचए बीएचए हो नहीं यूज करना है। अगर आप ये सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हैं तो केमिकल पील क्या कोई भी ट्रीटमेंट आपकी स्किन को सेंसिटिव नहीं बना सकता है। इनफैक्ट स्किन सेंसिटिव तब होती है जब आपका स्किन केयर आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं है। इसमें केमिकल पील का कभी भी कोई हाथ नहीं होता। तीसरा मिथ, नॉर्मल लोगों को जो डाउट रहता है कि क्या केमिकल पीलिंग सेफ है, स्पेशली इंडियन स्किन टाइप में। देखिए, इंडियंस जो होते हैं उनकी स्किन ना थोड़ी डार्क होती है, व्हाइटिश होती है। ऐसे में उनको हल्का सा भी चोट लग जाए, दाग हो जाए, फुंसी हो जाए, उनको तुरंत ब्लेमिशेस हो जाते हैं। इसी तरह केमिकल पीलिंग अगर सही से नहीं की जाए, बहुत हार्श कर दी जाए, तो उससे भी स्किन डार्क होने का खतरा होता है, स्पेशली इंडियन स्किन में। लेकिन आज की तारीख में इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल पील अवेलेबल हैं इंडियन मार्केट में जो इंडियन स्किन टाइप के हिसाब से हैं। ऑब्वियसली मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप वो केमिकल पील यूज करें जो कोई अमेरिकन या कोई ऑस्ट्रेलियन यूज कर रहा है, क्योंकि उनके केस में आप बहुत हार्श केमिकल पीलिंग भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा केमिकल पील यूज करेंगे जो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है, इंडियन स्किन में सेफ है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चौथा मिथ है कि क्या केमिकल पीलिंग आपकी स्किन को डार्कन कर सकती है। जी हाँ, ये एक तरह से मिथ नहीं है, ये फैक्ट है। आपकी स्किन केमिकल पीलिंग के बाद डार्क हो सकती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी स्किन डार्क हो। आपकी स्किन डार्क तभी होगी जब आपने धूप से बचाव नहीं किया। देखिए, सन प्रोटेक्शन और सनस्क्रीन एप्लीकेशन इज डिफरेंट। आपको केमिकल पीलिंग प्रोसीजर के बाद, चाहे आप माइल्ड करवाएं या सीवियर केमिकल पीलिंग करवाएं, आपको धूप से बचाव करना जरूरी है, जिसमें होता है सनस्क्रीन लगाना और धूप में नहीं जाना। 10 AM to 6 PM के बीच धूप में जाना ही नहीं है, कम से कम 2 हफ्ते तक आफ्टर 1 केमिकल पील सेशन। अगर आप ये सावधानी बरतेंगे तो कभी भी आपकी स्किन डार्क नहीं होगी आफ्टर अ केमिकल पील सेशन। देन काफी लोग ये भी सोचते हैं कि केमिकल पील्स आर एक्सपेंसिव। देखो, आज की तारीख में जितने सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, इतने कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, इतने फैंसी लेजर्स हैं कि केमिकल पील इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल, बिलीव मी। एंड अच्छी बात यह है कि केमिकल पील हर टाइप ऑफ स्किन कंसर्न पे काम कर सकता है। अगर आपको एक्ने है तो आप एक केमिकल पील ले सकते हो, पिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, डलनेस है, इवन एंटी एजिंग के लिए भी आप केमिकल पीलिंग ले सकते हो। तो अगर आप उसका रिजल्ट देखोगे तो केमिकल पील कंप्लीटली चीप है, एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप उतना भी अपने स्किन पे नहीं खर्च करना चाहते तो मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकती, फिर तो भगवान भरोसे काम है। लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं, क्योंकि केमिकल पीलिंग का नाम केमिकल पील है तो इसमें स्किन पीलिंग होना जरूरी है। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर किसी की स्किन थिकनेस वेरी करती है। अब जिनकी थिन स्किन है उनको हल्की सी पीलिंग से भी स्किन पील होने लगेगी, लेकिन जिसकी थिक स्किन है उसकी स्किन पील हो ऐसा जरूरी नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट नहीं आता है। चाहे आपकी स्किन पील करे या ना करे, रिजल्ट दोनों में बराबर आता है। तो पीलिंग होना हर केमिकल पील सेशन के बाद जरूरी नहीं होता। काफी लोग ये भी सोचते हैं कि पीलिंग से उनकी एजिंग बढ़ जाती है। देखिए, जब अगर आपने कभी केमिकल पील
करवाया हो तो आपने महसूस किया होगा कि नेक्स्ट 7 days या 14 days तक आपकी स्किन थोड़ी ड्राई लगती है, स्पेशली अगर आपकी स्किन ड्राई या नॉर्मल है या आप एडिक्वेट मॉइस्चराइजेशन नहीं कर रहे हो। और उस दौरान क्योंकि आपकी स्किन ड्राई होती है, डिहाइड्रेटेड होती है या पपड़ी निकल रही होती है, तो ऐसा लगता है कि फाइन लाइन्स प्रोमिनेंट हो गई, रिंकल्स प्रोमिनेंट हो गए, तो लोग सोचते हैं अरे भैया हमें बुढ़ापा जल्दी आ गया। बट ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ 7 to 14 days का प्रोसेस होता है। अगर आप एडिक्वेट मॉइस्चराइजेशन करेंगे तो आपकी डेड स्किन निकल जाएगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड फाइनल मिथ इज कि होम बेस्ड केमिकल पील उतने ही अच्छे हैं क्लिनिक और डॉक्टर्स पील जितना। देखिए जब भी आप कोई होम बेस्ड केमिकल पील किट लेकर आते हैं वो बहुत माइल्ड होती है क्योंकि उसमें सेफ्टी कंसर्न्स हमें ध्यान में रखना होता है। क्लिनिक बेस्ड केमिकल पील्स या डॉक्टर ओरिएंटेड केमिकल पील्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो कम सेशन में ज्यादा रिजल्ट दे देती है। अगर आपको बजट का ध्यान रखना है तो आप होम बेस्ड केमिकल पील और डॉक्टर केमिकल पील को बैलेंस आउट कर सकते हैं। जैसे आप होम बेस्ड केमिकल पील हर 2 या 3 हफ्ते में कर लें और डॉक्टर बेस्ड केमिकल पील आप हर 2 महीने करवा लें। इससे आपका बजट भी नहीं बिगड़ेगा और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। सो मच फॉर द डे गाइस, टिल द टाइम बी ब्यूटीफुल, बी इन्फ्लुएंशियल।